क्या तुम? खुशामदीद, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेता हूँ। बहुत माजरत, मैं अपना पेन भूल गई थी। याददाश्त तो मैंने खोई है अपनी। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। शाबाश। जी ठीक है सर। तुम मुझे जरूर पहचानोगे अली, तुम्हें याद करना ही होगा। कुदरत साहब, ये तस्वीर देखें। आपकी और आपकी अहलिया की जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि पूरा मार्दिन तारीफी नजरों से आप लोगों को देखता था। अल्लाह आपकी अहलिया को जन्नत नसीब करे। देखिए देखिए, ये जेहान के होने से पहले की तस्वीर है। बारान भी साथ है। इसकी आंखें देखें कितनी रोशन है। और उसी वक्त वाजे हो गया था कि वो एक बहादुर जवान बनेगा, बिल्कुल आपकी तरह। देखें, ये पैदाइश के बाद की तस्वीर है। हाय मेरे बच्चे, बारान भी आपके साथ है। जब बारान को जियान के आने का पता चला तो वो कितना खुश हो गया था। उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। तब से ही उसके इल्म में था कि अपने भाई की हिफाजत करनी है। चलो। ऐसा मत करें, प्लीज प्लीज मेरी बात सुने। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। खुद को मत बचाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। देखो, गौर से देखो उन्हें। तुम्हारे बाबा ने क्या किया? मेरे बाबा, तुम्हारे बाबा की वजह से बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से मेरी अम्मी इस वक्त जमीन में दफन है। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं और मेरा भाई मां के बगैर बड़े हुए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से हमारा बचपन बर्बाद हो गया। जी हां दादी जान, हम सब बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इस घर के हर शख्स को जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया है तुम्हारे बाबा ने। वहां क्या हो रहा है? जानती हो सबसे अफसोस की बात क्या है? अपने सभी नुकसान के बावजूद, तमाम दर्द के बावजूद, मैंने यह सोचा कि कोई मां अपनी औलाद को दफन करने का दुख ना उठाए। मैंने अपने वालिद की मिरास को दागदार किया, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। कि मैं तुम पर किसी किस्म का रहम करूं, समझ आई बात? बिल्कुल भी काबिल नहीं हो तुम। मैंने तुम पे जो भी रहम किया, तुम्हारे लिए जो भी कुर्बानियां दी, सब जाया कर दिया तुमने। मेरी बात तो सुन। अब बस, मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। बेटी, अब क्या हो गया? दिलान बेटी, वो मुझे गलत समझ रहे हैं।
कुछ सुनने को तैयार नहीं।